दूध की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा सिंधकूमत पर माफियाज का कंट्रोल आवाम की खामोशी का नाजायज फायदा उठाकर माफियाज को नवाजा जा रहा है कराची से, से पासबान ने कानूनी जंग का आगाज कर दिया लाहौर में दूध एक सौ तीस कराची में दो सौ रुपए लीटर फरोख सिंध हकूमत की ना अहली और नाकामी का सबूत है पासबान डेमोक्रेटिक पार्टी कराची के चीफ ऑर्गेनाइजर तारिक चांदी वाला सीनियर रहनुमा सरदार जुल्फकार और खालिद सदीक एडवोकेट ने कहा कि दूध महंगा बेचने वालों के खिलाफ इंतजाम की कार्रवाइया महज ड्रामा है हकीकत दरक़ीकत सिंधूमत पर माफियाज का कंट्रोल है आवाम की खामोशी का नाजायज फायदा उठाकर माफियाज को नवाजने का अमल जारी है डेयरी फार्म की जानब से दूध की कीमतों में मजदूर इजाफे का कहा गया हकूमत ड्रामेबाजिया बंद करके अवाम को हकीकी रली देने के लिए ठोस इकदाम करे हकूमत की जानब से दूध की फी लीटर कीमत एक सौ बीस रुपये मुकर की गई लेकिन रेट कायम होने की वजह से अमल दरामद मुमकिन ही नहीं हो सकता पासबान इनको मुंतबा करती है कि अब आम आदमी खुदकुशी नहीं करेगा बल्कि अपनी हक के लिए सड़कों पर आएगा पासबान ने अवाम के हकूक के लिए कानूनी जंग का आगाज कर दिया अवाम पासबान के बाजू बने अपनी ताकत को पहचाने मुतहिद होकर अपने हकों के जंग में पासवान का साथ दे पासवान प्रेस इंफॉर्मेशन सेल से जारी करता मुश्तरक बयान में पासवान रहन ने कहा कि जुम्म की एक हद होती है सिंध और इंतजामी दारों ने माफियों के सामने घुटने टेक दिए पासवान का मिशन मजदूर अमाम को इनका हक हाँ दिलाना है मजदूर ममाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे ने कहा कि कराची सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है हुकूमत को कराची केवाम को ज्यादा से ज्यादा रली देना चाहिए लेकिन हकूमत और माफिया शहरियों को दोनों हाथों से लूट रही है उन्होंने मजीद कहा कि लाहौर में दूध एक सौ तीस लीटर कराची में दो सौ रुपये लीटर फरोख्त हो रहा है सिंध अवाम को माफी के रहमोक्रम पर छोड़कर खूब कमा रही है पासबान ने पहले मरहल में इलाके सतह पर एहतजाजी मुजाहे किए जल्द अवाम को रलीफ न मिला दूध की कीमतों में मज़दीद इजाफा किया गया तो अवामी कु का मुजाह सड़कों पर होगा ज़रूरत पड़ी तो घेराव की हिमत अमल मरतब करने पर मजबूर होंगे उन्होंने कहा कि पासवान ने शहर में तवील स्थान तक डबल सवारी पर पाबंदी के खात्मे क्रिकेट मैचेज के दौरान सड़कों की बंदिश के खात्मे की कामयाब जिद्दोजहद की बड़ी तदाद में शहरों से ली गई रिश्वत की रकम पुलिस से शहरियों को वापस दिलवाई अब पासवान ने महंगाई के खात्मे के लिए कानूनी जिद्दोजहद कागाज कर दिया है